अग्निपथ योजना को लेकर देश के कई हिस्सों में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए। कई जगहों पर हिंसा करने वालों की गिरफ्तारी भी की जा रही है। इसी क्रम में सहारनपुर में भी पुलिस ने अग्निपथ स्कीम को लेकर माहौल खराब करने के आरोप में 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोप है ये सभी फर्जी आर्मी अभ्यर्थी बनकर छात्रों को भड़काने की कोशिश कर रहे थे। आरोपियों में NSUI का जिला अध्यक्ष भी शामिल है। पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक मामला जिले के रामपुर मनिहारन से सामने आया है। दावा है यहां युवाओं को भड़काकर हिंसा फैलाने की साजिश रची जा रही थी। इस बारे में सहारनपुर SSP आकाश तोमर ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कई राजनीतिक दलों से जुड़े लोग सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को उकसाने के आरोप में पकड़े गए हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। SSP ने बताया, थाना रामपुर मनिहारन में हमने 5 फेक आर्मी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया है। इसमें से 2 लोग विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी के पदाधिकारी हैं और बाकी लोग भी राजनीतिक दलों के मेंबर्स हैं। ये लोग एक्चुअल आर्मी एस्पिरेंट्स को प्रोटेस्ट करने के लिए भड़का और उकसा रहे थे। उन्होंने कहा, इनमें से एक पराग पवार है जो एक पॉलिटिकल पार्टी के स्टूडेंट विंग का जिला अध्यक्ष है। इसके अलावा संदीप चौधरी है जो कि एक राजनीतिक पार्टी से जिला पंचायत का अध्यक्ष रह चुका है। इन सभी 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है और आगे भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि कोई आर्मी एस्पिरेंट्स को दूसरा व्यक्ति अनर्गल तरीके से भड़काकर अगर कोई ऐसी बात करता है तो उनके खिलाफ हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। पुलिस ने बताया कि आरोपी से पूछताछ कर पता चला है कि इन सब की उम्र 25 वर्ष से अधिक है और इनमें से कोई भी पुलिस या आर्मी की भर्ती की तैयारी नहीं कर रहा है और ये सभी अलग अलग राजनीतिक दलों से भी संबंधित हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग आर्मी में तैयारी करने का दिखावा कर सेना में तैयारी कर रहे असली छात्रों को प्रदर्शन और हिंसा के लिए भड़का रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की। इसके बाद पुलिस ने पराग कुमार उम्र करीब 26 वर्ष, मोहित चौधरी उम्र करीब 26 वर्ष, सौरभ कुमार उम्र करीब 28 वर्ष, उदय उम्र करीब 30 वर्ष और संदीप चौधरी पूर्व जिला पंचायत सदस्य सपा, इनको भी गिरफ्तार किया। इनमें से पराग NSUI के जिला अध्यक्ष हैं। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी सौरभ त्रिवेदी ने। मेरा नाम है दिव्यांशी, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। दी लल्लन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की, लल्लन टॉप ऐप, जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए लल्लन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किससे, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको हैं बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी लल्लन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।